वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में बताऊंगा आपको सिकंजा। कि काफ़ी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि एक व्यूअर ने पूछा था कि सिकंजा क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास हाथ में, ये एक सिकंजा है। सिकंजा यहाँ ये होता है आपको बीम के अंदर यूज होता है। बीम को कैसे यूज करेगा ये, जैसे कि आपके सामने देख पा रहे हैं ये 230 का पोटम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 230 ये साइड हो गई, सॉरी ये जो सामने देख पा रहे हैं ये बॉटम हो गया, साइड हो गई बीम की। ये 230 का बॉटम रहेगा और दोनों साइड में दो दो इंची बढ़ जाता है, 209 इंची प्लस दो दो इंची, ठीक है। तो ये समथिंग 15 इंची के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इंची आपका ये हो गया, ठीक है। तो 14 इंची में जैसे कि जितना भी 13-14 इंची हो जाता है, तो ये साइड में इस तरह से लगाया जाता है। इस तरह लगाने के बाद हथौड़ी जो इस पर मारेंगे, इस वाले फेस में मारते हैं, इस वाले फेस में जो ये फेस होता है, ये वाला फेस होता है, हथौड़ी से मारते हैं तो ये टाइट हो जाता है। बॉटम वाला जो टाइट होता है, बॉटम जो ये बॉटम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे बॉटम में, और ये वैसे टाइट कर देता है बॉटम को। तो ये जब कॉन्क्रीटिंग बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा हथौड़ी मारते जाएंगे, हथौड़ी मारते जाएंगे, तो ये ऐसे वैसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे ये टेपर हो जाता है टाइट। और शटरिंग अगर इसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे पीछे नहीं खुलता है, ऐसे ये ऐसे ऐसे टाइट तो हो जाएगा, लेकिन ये जब उसमें मारेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे इधर से लॉक हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ऐसे खोलना चाहेंगे तो भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सिकंजा बनाते हैं, ताकि जो सेटरिंग होती है कॉन्क्रीट, जब वाइब्रेटर लगाते हैं ऊपर, वाइब्रेटर लगाते हैं इसमें, वाइब्रेटर लगाते हैं तो ये बॉटम जो सेटरिंग है, दोनों साइड जो होती है वो ना खुले, जो बीच में गैप है ना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया हुआ हल्का सा, ये सिकंजा टाइट कर रख देंगे तो नहीं खुलेगा। तो जो दूरी रखते हैं मिनिमम 2 फीट की दूरी पे, 1 फीट के यहाँ पे सिकंजा लगा देंगे, 1 फीट पे यहाँ लगा देंगे, तो इस तरह से सिकंजा लगाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा। तो सिकंजा का भी पूछ रहे थे बार बार, सिकंजा क्या होता है, तो सिकंजा ऑलमोस्ट बीम में यूज़ होते हैं, ताकि बीम को खुलने से बचा सके, कंक्रीट अच्छे से पोरिंग हो सके, जो सीमेंट सलरी होती है वो नीचे ना निकल पाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चीज़ें बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह मिलते हैं टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।